हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ऑन नई सुबह वेब रेडियो। गुड आफ्टरनून, कैसे मिजाज हैं आप सबके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। दिस टाइम वी आर हेयर विद जीत का जोश ट्रांसमिशन, नई सुबह आपके लिए लेकर आया एक बार फिर स्पेशल क्रिकेट ट्रांसमिशन। आप लोगों ने हमारी ट्रांसमिशन के सिलसिले को बहुत ज़्यादा पसंद किया, आप सबकी पसंदीदगी का बेहद शुक्रिया। एक बार फिर हमने एहतमाम किया है आपके लिए क्रिकेट ट्रांसमिशन का, जिसका नाम है जीत का जोश। जी हाँ जनाब, हम भी आ गए जोश और वलवले के साथ आपके दरमियान, जो कि रोज़ाना ये सिलसिला जारी रहेगा। पीर से जुम्मा आप सुनेंगे नई सुबह वेब रेडियो के थ्रू हमारी ये ट्रांसमिशन। वर्ल्ड कप का आगाज़ हो रहा है, वर्ल्ड कप की आमद आमद है, ICC T20 वर्ल्ड कप का आगाज़ होने जा रहा है। जोश जज्बा अपने उरूज पर है, क्योंकि ज़ाहिर है जब क्रिकेट का बुखार सर पे चढ़ जाता है तो फिर बहुत मज़ा आता है। और मैचेस होंगे जनाब इस बार USA में, अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में मैचेस खेले जाएंगे। 55 मैचेस का ये होने जा रहा है मेला, सजने जा रहा है। 20 मैचेस होंगे, यानी 20 टीमों के दरमियान ये मैचेस खेले जाएंगे, 55 मैचेस। तो हमारे साथ कौन कौन मौजूद होंगे इस ट्रांसमिशन में वो भी हम आपको बताएंगे। क्या कुछ होने जा रहा है हमारी ट्रांसमिशन में, ये सब कुछ आपके लिए मुंतजर है। आप लोग बस नई सुबह वेब रेडियो लगाए रखिए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, तशरीफ़ फरमा है जनाब तलहा इनाम, खुशामदीद कहते हैं उनको भी। तो जनाब अस्सलाम वालेकुम तलहा इनाम साहब, क्या हाल है, खैरियत से हैं? गुड आफ्टरनून। वालेकुम अस्सलाम, और बेहद शुक्रिया साकिब, आपने मुझे गुड आफ्टरनून कहा। अब मेरे ख्याल से गुड इवनिंग स्टार्ट हो गई है। खैर कोई बात नहीं, जीत का जोश, ये कहते हैं कि इंतज़ार क्या कह रहे हैं, तड़प ही ऐसी है, रहा नहीं जा रहा। जीत का जोश शुरू हो चुका है और क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट होने जा रहा है, तो जोश जज्बा ऐसा है कि पता नहीं चल रहा इवनिंग हो रही है कि आफ्टरनून हो रहा है, सुबह हो रही है, शाम हो रही है। क्योंकि जब क्रिकेट वर्ल्ड कप स्टार्ट हो जाता है ना, फिर कोई होश नहीं रहता, सुबह हो मैचेस या फिर शाम में हो, हमने मैचेस देखने होते हैं, पूरे देखने होते हैं और आखिरी बॉल तक देखने होते हैं, और उसके बाद जो फिर तहाइफ मिल रहे होते हैं, किसकी कैसी परफॉर्मेंस रही, वो सब भी देखना होता है। तो क्रिकेट का तो बुखार ही ऐसा है कि बंदों के होश उड़ जाते हैं। तो साकिब इसमें कोई मसला नहीं है, और आप नई सुबह वेब रेडियो पर सुन रहे हैं जीत का जोश ट्रांसमिशन। नई सुबह अपनी रिवायात को बरकरार रखते हुए ज़बरदस्त सी ट्रांसमिशन अपने लिसनर्स के लिए लेकर आया है, और आप लोग भी हमारे साथ इस ट्रांसमिशन में शामिल हो सकते हैं। और बहुत सारी बातें हैं आप लोगों के लिए। आज हम आगाज़ करने जा रहे हैं, साकिब ने बताया भैया ट्रांसमिशन स्टार्ट हो चुकी है, और सारे क्रिकेट के दीवाने, जितने मद्दाह जुनून की हद तक के क्रिकेट को पसंद करने वाले लोग हैं, सारे आ जाएं नई सुबह वेब रेडियो लगा लें। एक एक बॉल की कमेंट्री, एक एक बॉल का तबसरा जो है हम यहाँ पर कर रहे होंगे कि भाई कैसा रहा मैच, किसने क्या परफॉर्मेंस दी, किसने ख़राब खेला, किसने खेल में खेलना शुरू कर दिया है। और ख़ास तौर पर साकिब एक चीज़ तो ये कि जो सबसे ज़बरदस्त मैच है, जिसको मुकाबला कहा जाएगा, मैच नहीं जिसको मुकाबला कहा जाएगा, बिल्कुल पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, ये तो मुकाबला देखने वाला होगा। और जहां खेला जा रहा है ना मैच, वहां पर भी आप देखें न्यूज़ में आपने सुना होगा कि वहां पर सिक्योरिटी जो है उसको हाई अलर्ट कर दिया गया है, कि इंडिया और पाकिस्तान के मैच में सिक्योरिटी जो है वो सख्त कर दी जाएगी, और ये जो मुकाबला है वो टांकरा बहुत ख़तरनाक होने जा रहा है। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर हमें नई सुबह वेब रेडियो के स्टूडियो के अंदर भी जो है सिक्योरिटी को सख्त करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों की टीवी स्क्रीन्स टूटती हैं, बहुत से लोगों के दिल टूटते हैं, और जोश और जज्बे के साथ ना पता नहीं क्या क्या होने लगता है। तो साकिब आप क्या कहते हैं, उस मुकाबले में क्या होने जा रहा है और क्या होगा? बिल्कुल जनाब, हमें इंतज़ार भी रहता है, ज़ाहिर है जब वर्ल्ड कप आता है तो हम सब की नज़रें मरकूज़ होती हैं। पाकिस्तान वर्सेस भारत जो मुकाबला होता है, बहुत बड़ा मुकाबला होता है, पूरी दुनिया की नज़रें इस पर जमी होती हैं कि ये मैच कब होगा। तो जनाब बिल्कुल ऐसा ही है, वर्ल्ड कप में जब हम पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच आ रहा होगा तो हम और मज़ीद जोश और जज्बे के साथ ट्रांसमिशन्स कर रहे होंगे। अभी तो आगाज़ है, अभी तो इब्तदा है जनाब। बाकायदा जो आगाज़ हमारी ट्रांसमिशन्स का हो रहा है वो मंडे से हो रहा है। आज हमने सोचा कि अपने लिसनर्स के साथ मीटअप किया जाए और उनको बताया जाए कि क्या कुछ हमारी ट्रांसमिशन में आ रहा है आपके लिए। जनाब यहाँ पर हमारे साथ बहुत ज़बरदस्त कॉमेडियन भी होंगे, जिनका नाम है इज्जत से कहना चाहिए, इज्जत महाब जनाब पप्पू एंड
शर्पू एंड चप्पू भाई, ये सारे पप्पू चप्पू शर्पू ये सब हमारे साथ होंगे और बहुत कुछ है आपके लिए। बाकी पैनल भी होगा जिसमें हम बहुत सारे लोगों के तबसरे तज्जिए मैचेस के ऊपर ले रहे होंगे। साकिब मैं तो कह रहा हूँ कुछ चीजें हमारे लिसनर्स के लिए सरप्राइज रहने देते हैं ताकि इनको पता चले जीत का जोश। आपने मुस्तकिल सुनना है और पूरा एक घंटा सुनना है, जो टाइमिंग आप लोगों को बता दी गई है 3 से 4, उसको आपने एक लम्हा भी मिस नहीं करना। तो जनाब बिल्कुल ऐसा ही है, हम चाहते हैं कि कुछ चीजें आपके लिए सरप्राइज रखी जाएं। जब हम मंडे से आ रहे होंगे आपके साथ रेगुलर होंगे तो आपको चीजें पता चल रही होंगी। हमारे साथ आप लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किस तरह कर सकते हैं हम आपको नंबर भी बताएंगे अभी, और आप जूम लिंक के थ्रू भी हमें ज्वाइन कर सकेंगे, व्हाट्सएप कॉल के थ्रू भी हमें आप कॉल कर सकेंगे, फीडबैक अगर आप मैसेजेस के थ्रू देना चाहें वो भी कर सकेंगे। हम आपको नंबर भी बता ही देते हैं लगे हाथों, हमारा नंबर है 0330860072, जिस पर आप हमें फीडबैक दे रहे होंगे और ट्रांसमिशन से मुतल्लिक बता रहे होंगे कि मजीद क्या होना चाहिए, यहाँ पर क्या इम्प्रूवमेंट की नीड है, क्या आपको लगता है होना चाहिए जीत का जोश में। तो जनाब हमारे साथ तलहा इनाम तशरीफ फरमाए, तो मैं चाहूँगा कि आप बताएं कि आप कितने जोश और जज्बे के साथ वर्ल्ड कप में एंट्री डालने जा रहे हैं, और ये कि बताएं कि आप कितने क्रिकेट के दीवाने हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, चप्पू बात कर रही हूँ। यार तुमने तला को तो बोल दिया, मेरे को नहीं बुलाया, मेरे को समझ नहीं आ रही। वलीद ने मेरे को बोला था कि भाई ये क्रिकेट ट्रांसमिशन होने जा रही है, तो मैं तो टीम खरीदने के लिए बैठा हुआ था, ये क्या मसला है, मेरे पास तो पैसा बहुत है। साकिब भाई आपको पता नहीं है क्या? नहीं नहीं, आपने कोई टीम नहीं खरीदनी इस बार वर्ल्ड कप में, इस तरह का कुछ भी नहीं करना चप्पू भाई। आप अपने पैसे संभाल के रखेंगे और बाद में उड़ाएंगे जब हमारी टीम जीत जाएगी। यार ऐसे थोड़ी होता है भाई, पैसा इतना है मैं क्या करूं फिर, ये बताओ। पप्पू तो गरीब है ना। साकिब भाई यार कोई बताओ टीम अच्छी कौन सी खरीदूं? आप टीम खरीदें जनाब पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान तो अपनी टीम है और हम इस ट्रांसमिशन में भरपूर सपोर्ट कर रहे होंगे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को। हम इस पर नज़र भी डालेंगे, पाकिस्तान का स्क्वाड क्या है इस बार, कौन कौन से लड़के, हाँ लड़के भाई लड़के खेलने जा रहे हैं, लड़कों के ऊपर भरपूर पैसा। लड़के मतलब क्या यार पप्पू भाई, क्या हो कह रहे हैं भाई चप्पू भाई, आप तो भाई आप हमसे माइक छीन लेते हैं बोलते बोलते। तो ये के यार एक मिनट भाईजान, आपका डायरेक्टर कौन है, उससे मैं माइक खरीदूंगा, छोड़ो। मेरा डायरेक्टर भाई, मेरे डायरेक्टर है तलहा इनाम साहब, तो इनसे आप रابطہ कर लीजिएगा। फिर भी आपको माइक तो नहीं देंगे हम, आपका पता है हमें कि आप क्या यहाँ पे तबाहियां मचाएंगे। तो जनाब हमारे साथ ये चप्पू भाई भी होंगे, गाए बगाए आपको अपने जुमले जो है कसते रहेंगे। तो ये कि मज़े मज़े की चीज़ें आपके लिए होंगी इस ट्रांसमिशन में। तो जनाब तलहा इनाम, मैं आपसे पूछ रहा था कि क्या होने जा रहा है इस वर्ल्ड कप में, पाकिस्तानी टीम को लेकर आप के क्या ख्यालात हैं, और आप कितने दीवाने हैं क्रिकेट के? क्रिकेट के दीवाने आप पूछ रहे हैं कितने इस ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं, तो इससे तो आपको अंदाजा हो ही गया होगा। चप्पू भाई को मैं जवाब देता चलूं, चप्पू भाई ने कहा और साकिब आपने भी कहा कि पाकिस्तानी टीम को खरीद लें, तो भाई टीम को खरीदना नहीं है, टीम पर पैसा लगाएं ताकि टीम हमारी जीते। सही है, पैसा लगा दें टीम पर ताकि ऐसी परफॉर्मेंस दें हमारी टीम के बस T20 वर्ल्ड कप या 2024 का ये बस पाकिस्तान जीत जाए। और चप्पू भाई आपका इसमें बड़ा किरदार होगा, अगर आप नहीं होंगे ना तो फिर हम कोई मैच नहीं जीत पाएंगे। अपनी टीम को भी खरीद लें, दूसरी की टीम को भी खरीद लें। यार मेरे को लग रहा है ये साकिब भाई ये घबरा गए हैं, इनकी कांपें टांगी हैं। हाँ ये मैं बता दूं भाई, पाकिस्तान के साथ हूँ मैं बाकी सारी टीमें खरीद दूंगा और पाकिस्तान को जिता दूंगा, समझ आ गए ना, हिसाब होता अपने पास। जनाब वैसे तो पाकिस्तान जीते ना जीते, लेकिन चप्पू जो है ना इतना पैसा लगाने वाले हैं इस वर्ल्ड कप में कि पाकिस्तान जीत के ही लौट आएगा और ये फाइनल की ट्रॉफी जरूर पाकिस्तान के नाम रहेगी। तो जनाब पाकिस्तान के जो ट्रॉफी भी खरीदूंगा, टेंशन नहीं लो भाई बिल्कुल बिल्कुल ट्रॉफी भी खरीदेंगे, बस ये कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हाल इस वक्त बहुत बुरे हैं, क्योंकि अभी हालिया जो सीरीज हुई है पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, वहां पे पाकिस्तान को शिकस्त हुई है, बारिश की वजह से हुआ। यार आप कैसे अपनी टीम को डिग्रेड कर सकते हैं, हमारी टीम सबसे ज्यादा जबरदस्त और सबसे बेहतरीन टीम जो है ना क्रिकेट की, वो बस पाकिस्तान है। ये तो सिर्फ बातें है ना यार, ऐसा तो नहीं होता ना यार, हम पाकिस्तानी हैं, हम अपनी टीम को सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा भाई, हमारी बेस्ट है, परफॉर्मेंस उनकी खराब हो सकती है। सपोर्ट कितने में करना है, ये बताओ, खरीदूंगा सपोर्ट भी खरीदूंगा, टेंशन नहीं लो। अल्लाह आप तो सारी चीजें खरीदते जा रहे हैं, हमारे लिए भी कुछ छोड़े, हम भी तो खरीदेंगे।
तो ये कि पाकिस्तानी टीम को अभी वैसे 4 मैचेस की ये सीरीज थी और जिसमें से 2 मैचेस तो बारिश की नजर हो गए। 2 मैचेस में पाकिस्तान को हुई है शिकस्त, यानी पूरी सीरीज पाकिस्तान हार गया और बहुत बुरी जो है ना इस वक्त पाकिस्तान की कंडीशन है। टेंशन नहीं लो, देखो यार गर्मी कितनी चल रही है, अगर हार गए तो कोई मसला थोड़ी है, वर्ल्ड कप तो लेना था ना भाई, पहले उनको मतलब टेंशन नहीं देनी थी ना। अगर इंग्लैंड जीत जाता या हार जाता सॉरी तो उनको फिर टेंशन हो जाती, तो फिर वर्ल्ड कप हमारे हाथ से जाता ना यार। अब वर्ल्ड कप हमारे पास आएगा, टेंशन नहीं लो। आहा चप्पू भाई, यार चप्पू भाई और ये तन्हा इनाम बस मोटिवेट करते रहेंगे आपको लिसनर्स। बाकी आपने जो है ना सच्चाइयों पर भी नजर रखनी है कि क्या है, क्या होने जा रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो ये कि अच्छा ये बताओ पहला मैच किधर हो रही है? पहला मैच तो जनाब होने जा रहा है आपका यूएसए में, और यूएसए का मैच होगा पहला जो कि खेला जाएगा पपुआ गिनी के साथ। तो ये कि अच्छा ये बड़ी यूएसए के अंदर मैचेस हो रहे हैं साकिब, ये तो हम अपने लिसनर्स को बताते चले कि इस बार वर्ल्ड कप कहाँ पर होने जा रहा है और मेरे ख्याल से कितने साल बाद यहाँ पर वर्ल्ड कप हो रहा है, बहुत लंबे अरसे बाद। मेरे ख्याल से पहली बार हो रहा है अमेरिका में, क्योंकि जाहिर है अमेरिका वो टीम है जो खेलती नहीं है, लेकिन इस बार होस्ट भी कर रही है और खेल भी रहे हैं ये लोग। बहुत ज्यादा ये पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं अपनी क्रिकेट के ऊपर। है ना हमारे पास पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, यार आप क्या बात कर रहे हैं। अरे मैं तो ऑफर करता हूँ यूएसके में आ जाओ, यूएसए को छोड़ के ना यूएसके में करवा देते हैं वर्ल्ड कप। यूएसके क्या है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ करंगी। अच्छा वाह 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 पप्पू भाई, चप्पू भाई कमाल हो गया, चप्पू भाई आप तो तुसी ग्रेट हो सर। ये के जनाब आप लोग बताएं लिसनर्स आपको ये चप्पू भाई करंगी फेज नंबर 2 लेन 2 यार, ये तो मुझे के बिल्कुल पास है। मुझे तो लग रहा है ये बहुत डिस्टर्ब करने वाले हैं हमें थ्रू आउट ट्रांसमिशन, कैसी रहेगी इनके साथ ट्रांसमिशन। बस दुआ कीजिएगा कि चप्पू भाई के शर से अल्लाह ताला महफूज फरमाए, आमीन। वरना तो बहुत नाजुक सूरत हाल लग रही है मुझे। तो हमारा प्रोग्राम शुरू हो गया है, तो तलहा इनाम क्या तैयारियां हैं, क्या है ट्रांसमिशन में मजीद? शेर व शायरी का तड़का भी यहाँ पे लगेगा और क्रिकेट भी है और चप्पू भाई के ये मजा ये जुमले भी भाई हैं। मेरे पास एक शेर आ गया बड़ी जोर से। अच्छा इरशाद इरशाद, ये लाओ 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 इधर लाओ, इरशाद करते हैं भाई जान। बात सुनो, ये देखो पैसा बहुत है और पैसे की मुनासिबत से एक शेर है जी, बादलों पे काली घटा चाहिए। ठीक है जी, हाँ बादलों पे काली घटा चाहिए, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पाकिस्तान में आई है। वाह क्या बात है चप्पू भाई, वाह तालियां भाई तालियां। चप्पू भाई ने क्या शेर सुनाया, और बादलों की जरूरत भी है, तो बहुत ज्यादा गर्मी है पाकिस्तान के अंदर। तो और अभी जब ये ट्रांसमिशन शुरू हो चुकी है, आप देख रहे हैं कि हमारे खूनों में भी जो गर्मी आ गई है, जोश जज्बा जो है अपने उरूज को पहुंच चुका है। तो तमाम लिसनर्स जो हमें सुन रहे हैं वो अपने जल्दी से मोबाइल उठाएं, मैसेज करके हमें बताएं कि आपको कैसी ट्रांसमिशन लग रही है और आप कौन सी टीम को सपोर्ट करें। साकिब आप कौन सी टीम को सपोर्ट करें आप बताएं, क्योंकि पाकिस्तान को तो आपने कह दिया कि भाई ये मेहनत नहीं करती और बिल्कुल बेकार टीम है, तो आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? यार खैर इतना भी मैंने नहीं कहा कि बेकार टीम है और मेहनत नहीं करती। हाँ मेहनत नहीं करती, बस ये बात है यहाँ पे जो है ना दोस्तियाँ यारियाँ बहुत ज्यादा, चांद तक नहीं तो शाम तक, ऐसा ही है चप्पू भाई, दोस्तियाँ यारियाँ बहुत ज्यादा यहाँ पर निभाई जाती हैं, जिसके नतीजे में हम पाकिस्तान जो है ना बस ट्रॉफी लेने के करीब तो चला जाता है लेकिन मजीद करीब नहीं जा पाता और फाइनल तक पहुंच जाता है, सेमीफाइनल तक पहुंच जाता है, लेकिन उसके बावजूद कभी ट्रॉफी नहीं हासिल कर पाता। ये कि 2009 में हमने T20 वर्ल्ड कप जीता था और 2021 में भी बहुत करीब गए, 22 में भी करीब गए, करीब जाते हैं लेकिन दोबारा फिर हम हासिल नहीं कर पाए। दो देखें 2024 में क्या होने जा रहा है, हम बस उसी वर्ल्ड कप पे बहुत ज़्यादा खुश हैं, 1992 वाले वर्ल्ड कप पे बस हम हर वक्त उसका चर्चा अपनी जबान पे लगाए रखते हैं कि भाई हमने 1992 का वर्ल्ड कप जीता था। उसको भी 32 साल, उसको 32 साल हो गए चप्पू भाई, ट्रॉफी को जंग लग गए, नहीं ले लो खरीदूं, फिर भी बस अभी तक बेचे जा रहे हैं, बिकता जा रहा है वो वर्ल्ड कप। नहीं नहीं अगर गोल्ड की ट्रॉफी होगी तो फिर उसको जंग नहीं लग सकता चप्पू भाई, यार समझा करो ना भाई, गोल्ड का नहीं है ना, रंग लग गया। अच्छा पाकिस्तानी गोल्ड हुआ तो फिर वाकई में लग सकता है। अच्छा मैं चाहूंगा चप्पू भाई इस पर तो जरा कहें कि ये जो शेर है अल्लामा इकबाल का, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, इसकी तशरीह तो कीजिएगा। यार देखो इस शेर में ना जो कहने वाला कह रही है भाई कि नरगिस को के इतनी शरारतें ना करो नहीं तो अम्मी से ना चमाटे पड़ेंगे,
और वो हजारों साल तक रोती रहेगी फिर। हजारों साल तक रोती रहेगी। अल्लाह भाई, देखो ना लड़की, इसने कितनी शरारतें की थी। वो अम्मी का वो जहेज का बर्तन तोड़ दिए थे, वो गिलास तोड़ दिया उन्होंने, कप जिसमें चाय पीते थे अब्बा जान, वो तोड़ दिया। कमाल है। कोई बात नहीं, हम ये वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी है ये कप लेकर आएंगे ना, ये देंगे ना नरगिस की अम्मी को, कि भाई ये ले नरगिस के अब्बू को, इसमें चाय पिलाया करें। इसके अंदर मैं तो कह रहा हूँ एल्फी डाल दो कप में, टूटेगा ही नहीं। बस यार, हम तो कहेंगे कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरा स्कूटर वहाँ ठुका जा, रश कम था। वाह भाई वाह, वाह 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 वाह, क्या माहौल बनता जा रहा है। वर्ल्ड कप का आगाज होने जा रहा है, ट्रांसमिशन की आमद है, यानी ट्रांसमिशन का आगाज भी हो गया है। बाकायदा आगाज तो इंशाल्लाह मंडे से होगा, प्रॉपर फॉर्मेट के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आज हमने सोचा कि ज़रूर अपने लिसनर्स से मुखातिब हों और उनको बताएं कि भाई वर्ल्ड कप का आगाज तो हो रहा है, वर्ल्ड कप के साथ साथ हम भी आ रहे हैं जनाब, नई सुबह की टीम भी आपके साथ साथ होगी आपकी खुशियों में। जब पाकिस्तान जीत रहा होगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो, जब पाकिस्तान जीत रहा होगा तो हम मिलके खुशियां मनाएंगे। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, हमारी जो टीम है वो जीत रही है, और इंशाल्लाह भारत को भी इस बार हम शिकस्त देंगे। और बाकी टीमें जो हैं, इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका है, वेस्ट इंडीज़ है, तमाम ही टीमों को शिकस्त देकर इंशाल्लाह फाइनल में पहुंचेंगे, और फाइनल भी फिर अपने नाम करेंगे और वर्ल्ड कप 2024 अपने वतन लाएंगे इंशाल्लाह। लियारी की टीम भी इसमें है कि नहीं है? लियारी की टीम लियारी की टीम है, वो अफ्रीका है ना, साउथ अफ्रीका वाले इसमें मौजूद हैं, और बांग्लादेश भी इसमें मौजूद है। मांगा की टीम होगी भाई, सारी टीमें होंगी चप्पू भाई, क्योंकि आपने तो पैसा लगाया हुआ है ना, आपके पास तो पैसा बहुत है। अभी बताओ किसको लगाना है पैसा? मेरे ख्याल से यूएसए की टीम पर लगा दें, डॉलर के अंदर कमाई होगी चप्पू भाई आपकी। और आप भाई जान, मेरे पास पैसा है, डॉलर नहीं है। अच्छा, ये क्या बात कर रहे हो? हाय हाय जनाब, चप्पू भाई साथ साथ होंगे तो ये कि अभी मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान की बात हो रही है, वतन की बात हो रही है, तो हम एक मिली नगमा शामिल करते हैं और उसी के साथ फिर हम आपसे, क्योंकि ज़ाहिर है वक्त बहुत कम रह गया है, तो हमने इजाज़त भी लेनी है आपसे, क्योंकि बाकायदा हमारी मुलाकात होने जा रही है मंडे से। तो आइए एक मिली नगमा शामिल करते हैं जनाब। ऐसी जमीन और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। जनाब ट्रांसमिशन जारी है, मिलते हैं तो प्यार का चेहरा बनता है, चेहरा बनता है, फूल एक लड़ी में पिरोए तो सहरा बनता है, सहरा बनता है, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। चप्पू भाई गिरने जाए तो जनाब ट्रांसमिशन का आगाज हो गया है, और हम आपसे चाहते हैं इजाजत, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी पीर के दिन, वर्ल्ड कप का आगाज हो चुका होगा। और चप्पू भाई, तल्हा इनाम, बाकी जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं वो आपके साथ हाजिर होंगे इंशाल्लाह। साकिब भाई एक बात सुन लो भाई, चप्पू के साथ वलीद तो होना चाहिए, मैं बता दूं। मैं पैसा नहीं लगाऊंगा वरना वलीद क्यों होगा तो। बिल्कुल जनाब, आप नई सुबह वेब रेडियो के जितने भी शोज सुनते हैं, एहसन के बगैर अकेले लग रहे हो, बहुत सूखे सूखे लग रहे हो। बिल्कुल एहसन, इकबाल, वलीद और तल्हा तो हमजा के साथ ऐसा बगैर लग रहा है जैसे कोई, बस समझ जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, आपको पूरी टीम यहाँ पर नजर आएगी, खेल खेल की सुबह वेब रेडियो पूरा आपको सुनने को मिलेगा, तमाम ही आरजेज एक जगह पे आपके लिए हम पेश करने जा रहे हैं, ताकि जो आप पैसे की जरूरत है ना मेरे को बता देना, मैं भिजवा दूंगा पैसा। बिल्कुल, पैसा पैसा देने के लिए चप्पू भाई है, इंटरटेनमेंट देने के लिए हम है, सब कुछ आपके लिए है। और अक्षय दीदी का है, अक्षय दीदी
अक्सा दीदी भी होंगी, सब कुछ होगा भाई। दीदी और दीदी और तेरी गर्ल बहन ही बैठ दी। चप्पू भाई को थोड़ा सा ब्रेक लगाए। चप्पू भाई जो है उनके ब्रेक थोड़े से लूज हैं, वीक हैं, ब्रेक लग नहीं पाते। जब इनकी गाड़ी भी वहाँ ठुकी थी जहाँ ट्रैफिक कम था। बेबी बेबी जी बिल्कुल, गाड़ी भी वहाँ रुकी थी इनकी। अच्छा साकिब, थोड़े से और हम अपने लिसनर्स को बताते चलें कि हमारा क्या फॉर्मेट होगा, इस ये हमारे साथ जरूर शेयर करें कि जो ट्रांसमिशन हमारी जारी होगी कब तक चलती रहेगी, वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद भी हम ये करते रहेंगे, कौन कौन सी नई नई टीमें कौन कौन सी इस बार वर्ल्ड कप के अंदर जो हिस्सा ले रही हैं वो जरूर हमारे लिसनर्स को बताएं, ताकि एक मेरी टीम है भाई। जी जी बिल्कुल, एक किशन की टीम है, एक चप्पू भाई की टीम है, एक हमारी टीम है। इसको गिफ्ट कर दिया पप्पू को टीम, वो संभाल लेगा फिर पप्पू की टीम अपनी। जनाब बिल्कुल बिल्कुल, तलहा इनाम साहब आपने जिस तरह कहा कि हमारी क्या तैयारियां हैं, तो जनाब हम पहले तो ये कि 3 से 4 आपके साथ रोज़ाना हाज़िर होंगे, पीर से जुम्मे तक हमारी ये ट्रांसमिशन जारी रहेगी। वर्ल्ड कप में जिस तरह मैंने शुरू में भी बताया था कि 55 मैचेस होने जा रहे हैं, 55 मैचेस खेले जाएंगे, 20 टीमों के दरमियान 4 ग्रुप बनाए गए हैं, जिसमें हम बात करेंगे कौन सी टीम किस ग्रुप में है वो भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर लिया यहाँ पर एहसन इकबाल ने, तो मैं चाहता हूँ कि एहसन इकबाल को भी हम माइक पर बुलाएं और उनसे भी पूछें कि उनका क्या इस वर्ल्ड कप को लेकर क्या तैयारियां हैं, उनका जज्बा जुनून वलवला कितने उरूज पर है, जिस तरह हम इस वक्त तैयार हैं वर्ल्ड कप। तो एहसन इकबाल से भी बात करते हैं। तो जनाब एहसन इकबाल ने हमें ज्वाइन कर लिया है, आइए बात करते हैं एहसन इकबाल से। आ गया, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल लिसनर्स, क्या हालचाल है। क्रिकेट बीट क्रिकेट ट्रांसमिशन इज ऑन फायर। साकिब रजा ने मुझे बहुत देर में बुलाया है, लेकिन खैर है चलता है। आप सब सुनाएं चप्पू भाई कैसे लग रहे हैं आपको, और भाई मेरी नकलें नहीं उतारो भाई। अरे मैं पैसा नहीं खर्च करूंगा फिर। नहीं नहीं चप्पू भाई, मैं पीता भी नहीं हूँ, आपकी नकलें कैसे उतारूंगा। अच्छा जी, ये सब हल्ला गुल्ला कह कहे हंसी मजाक सब कुछ होता रहेगा। इन्फॉर्मेशन के साथ साथ अमेरिका और वेस्ट इंडीज में होने जा रहा है कल से वर्ल्ड कप का मेला, और होने जा रहे हैं सनसनीखेज मैचेस। इससे पहले पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज हुई, जिसमें हमने भरपूर इंजॉय तो नहीं किया क्योंकि बारिश भी होती रही साथ साथ। अगर हम वहाँ होते तो एशन भाई एक सवाल है यार, ये भाई वर्ल्ड कप के हवाले से, मतलब ये जो कप होता है क्या पूरी दुनिया जितना होता है? पूरी दुनिया जितना कप नहीं होता, दुनिया से भी बड़ा कप होता है, क्योंकि कप की अहमियत ज्यादा होती है, दुनिया की अहमियत कम हो जाती है। तो फिर वर्ल्ड कप है ना, मतलब मैं इसलिए पूछ रहा था ना, अगर कम पड़ रहा तो बताओ खरीद दो कप। दुनिया में ऐसे कप नहीं होते। आप ये बताएं, आप ऑनलाइन बिजनेस तो नहीं कर रहे चप्पू भाई? क्यों, किस बात का? कपों का। आप अपनी प्रमोशन कर रहे हैं मुझे लग रहा है। नहीं नहीं चप्पू भाई, वो यार कौन सी चप्पू भाई, ये ज्यादती हो रही है, हम एड्स लगाने के पैसे लेते हैं। यार भाई मैंने अपने ब्रांड का नाम थोड़ी ना चप्पू इंसान थोड़ी बोला, मैंने चप्पू क्रॉकरीज, चप्पू टेक्सटाइल। क्या होता जा रहा है चप्पू भाई? चप्पू भाई मुझे लग रहा है पहली ट्रांसमिशन में ही ना आपका प्रोग्राम चप्पू टेक्सटाइल, चप्पू मिल्स, चप्पू फ्लोर मिल्स, चप्पू ये चप्पू वो चप्पू चप्पू चप्पू, दो चप्पू मिलकर कश्ती बनती है, ये नहीं सुनाया आपने, वो सुना दिया दिल दिल से मिलके प्यार, मतलब ये तो साकिब के काम थे यार, वो तो मिली रकमा था ना भाई। अच्छा हाँ, वैसे दो चप्पू मिलके कश्ती बनती है ना? नहीं चप्पू मिलके कश्ती नहीं बनती, चप्पू मिलके चलती है कश्ती। दो चप्पू मिलके कश्ती चलती है, दो चप्पू और पप्पू मिलके ट्रांसमिशन चलेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह भाई इंशाल्लाह, पैसा बहुत है। पैसा बहुत है भाई चप्पू के पास, और एसन ने हमें ज्वाइन कर लिया है। एसन के पास क्या है? चप्पू के पास तो पैसा है, एसन के पास इसके पास माँ है, माँ एसन के पास माँ है, और हमारे पास वर्ल्ड कप है। तो वर्ल्ड कप के साथ साथ ये कि दिल में बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी ख्वाहिशात लेकर हम वर्ल्ड कप में जा रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तानी टीम को तो जितवाना है ना। भरपूर सपोर्ट रहेगी पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के लड़के तैयार हैं खेलने के लिए अमेरिका में। लड़े भी तैयार हैं भाई, लड़के क्यों तैयार हैं हम लोग? लड़के तैयार हैं। वैसे तो ये कि ज़ाहिर है अभी शिकस्त भी हुई है इंग्लैंड के हाथों, 2-0 से हम हारे हैं, 2 मैचेस बारिश की नजर हो गए, तो बहुत जो बारिश की नजर हुए वो मैचेस हमारे जीते हुए मैच थे भाई। क्या बात है, क्या बारिश की वजह से जो पाकिस्तान नहीं जीता यार। साकिब भाई मेरे को लग रहा है आपको ना दवाई की जरूरत है, मैं आपको 50 गिफ्ट करता हूँ दवाई की। आप यार हर वक्त पाकिस्तान के बारे में बोल लो, क्या मुझे गलत लग रहा है यार? इन्हें पानी पिलाओ यार, इन्हें पानी पिलाओ, वरना हम नहीं बोल पाएंगे। अच्छा जी लिसनर्स, ये जो तलहा ने अभी बात की ना, बिल्कुल वही बात है कि हम एक वर्ल्ड कप नहीं जीते, बाकी भी हमने जीते थे, बस वो दूसरी टीमें जीत गई।
तो ये एक सिलसिला है। बहरहाल जी, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, हम बहुत ज्यादा पुरउम्मीद है पाकिस्तान से कि हम जो है वो वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। फखर जमान बहुत अच्छा बैट सेट हो गया है उनका और अच्छी हिटिंग कर रहे हैं। पिछले मैच में उन्होंने 45 स्कोर किया था सिर्फ 9 बॉलों पे सर। और इसके अलावा ब्रेन लारा भी अच्छा खेलेगा पाकिस्तान से। अरे क्या बात कर दी आपने, अमेरिका में ब्रेन लारा पाकिस्तान से खेल रहा होगा तो ये ट्रांसमिशन आपने नहीं सुननी। हम तो एक काम करेंगे, वो गोल सा गेल है, क्रिस गेल उसको भी खरीद लेंगे, समझ नहीं, टेंशन नहीं ले लेगा। चप्पू भाई गिल्लियां भी खरीद लेंगे। हाँ, गेल को भी खरीद लेंगे और वो क्या था, वो चैंपियन में क्या कहता है वो यूसेन लारा इज अ चैंपियन। आप छोड़े ना, आप यूसेन बोल्ट को खरीदे यार, वो रन तेज भागेगा। कौन सा बोल्ट, वो तो पहले ही बोल्ट हो जाएगा, यूसेन बोल्ट हो गया, फिर क्या करेंगे। ये भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छे अच्छे नामों वाले खरीदो जिसमें बोल्ट वोल्ड ना आता हो भाई। यार कौन लाया है आपको, ये खुद ही आ जाते हैं, इनको लाने की जरूरत नहीं। अबे मेरे को तो बुलाया नहीं भाई, मतलब टीमें खरीदने के लिए कोई बुलाया ही नहीं ना। ये किसकी पर्ची है? ओए चप्पू भाई ये क्या बोल दिया इसने, इसको खरीदा नहीं था आपने इसको? मैं अभी ये ट्रांसमिशन के बाद खरीद दूंगा, देख लेना। यानी इसको तो ऐसा खरीदूंगा इसको पता ही नहीं चलेगा कैसा खरीदा। यानी आज ही हम इससे पूछ लेंगे भाई किसकी पर्ची है, ताकि बाद में तो ये बताएगा नहीं क्योंकि बिक जाएगा। सही है, ये गवर्नमेंट बिक गई है, आवाज आएगी गवर्नमेंट बिक गई है। ऐसे चलें बातों के दरमियान में बताएं, आप पाकिस्तान के अलावा किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि मुझे लग रहा है साकिब पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रहा। साकिब शुरू से ना ट्रांसमिशन से मैं इसको रोक रहा हूं, ये बार बार ये कह रहा है कि पाकिस्तान 2 मैचेस हार गया इंग्लैंड से, ये नहीं कह रहा कि 2 मैचेस जो हमने जीते थे वो बारिश की नजर हो गए। ये वाली बात कह नहीं सकता क्योंकि जो मैच बारिशों में हो रहे थे ना उसने देखे नहीं थे, इसको क्या पता। इसको नहीं पता कि कौन जीता कौन हारा। भाई बात सुना, ये चप्पू भाई को आपने बुला लिया है तो मुझे क्यों नहीं बुलाया भाई? पप्पू भाई यार साकिब भाई आप तो नकल उतार रहे हो मेरी वलीद भाई की, क्योंकि वलीद भाई आज आए नहीं है तो मैंने कहा आपको उनकी कमी महसूस ना होने। तू किधर से आ गया? लो पप्पू चप्पू की लड़ाई शुरू। यार तू इधर क्या कर रहा है भाई, तू घर पे रहे, अम्मी अब इंतजार कर रहे थे तेरा, दही लेने के लिए निकला था तू तो। यार पप्पू भाई धनिया 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 तो, यार धनिया नहीं मैं तो दही लेने निकला था भाई, सही कह रहा है ये तो। तो कप लेने हो तो चप्पू भाई की क्रॉकरी की दुकान नहीं है? अबे यार पप्पू तू घर जा, मैं ट्रांसमिशन टीम खरीद के आ रही हूँ, तू टेंशन नहीं ले यार। यार टीम को रखना कहाँ है, कोई चार पाइयां है यार? ऐसे भाई आप टेंशन क्यों लेते हो भाई, मुझे अगर नीचे सोना पड़ गया मेरी कमर दर्द करती है भाई। यार हमारे पास वो है ना, कौन सा फॉर्म होता है, कौन सा मोटी फॉर्म, मोटो ये मोटी फॉर्म होता है, कौन सा फॉर्म होता है भाई? ट्रांसमिशन स्पॉन्सर होने वाली है, हो चुकी है। क्या बात है पप्पू, एक काम कर तू भाई, तू जा घर पे, तू अबू को दही दे, उनको इस बकोल खानी थी। अच्छा अच्छा अबू भाई एक बात बताए, आपकी फेवरेट टीम अमेरिका है ना? नहीं मेरी फेवरेट टीम तो लियारी की है। अमेरिका बिकता नहीं है ना? अमेरिका तो भाई मैं क्या बोलूं, खरीदोगे अमेरिका को? खरीदोगे बता। वो यार वो वहाँ पे एक था ना, कौन सा स्टेचू था, लिबर्टी? हाँ ये लिबर्टी चौक का जो स्टेचू था ना, लिबर्टी चौक का नहीं था, लिबर्टी का स्टेचू था वहाँ पे। अबे लिबर्टी चौक तो ये लाहौर में है ना भाई। हाँ तो अमेरिका की बात हो रही है ना, तो समझ नहीं आ रहा है कि चीज दो जगह कैसी है। वो तो स्टेचू वहाँ पे है ना, चौक यहाँ पे अलग अलग होते हैं भाई, समझ नहीं आ रहा। लिबर्टी चौक स्टेचू नहीं, लिबर्टी स्टेचू अमेरिका, लिबर्टी चौक लाहौर, ये कौन सा एड्रेस है भाई? अरे चप्पू भाई आप बादाम खाए करें यार, आप छोड़े। अच्छा आप... यार ऐसे भाई मैं घर जा रहा हूँ, ये मुझे दही लेके जानी थी अबू के लिए, तो प्लीज मेरे चप्पू भाई को जल्दी से भिजवा। हमने ना स्टूडियो में ना चीनी भी रखी हुई, आप इसमें जरा चीनी डाल के लाए, हम खा लेते हैं। यार ऐसे भाई मुझे अबू मारेंगे ना यार, अभी भी मारेंगे, इतने बड़े हो गए पप्पू भाई आप यार। अरे पप्पू तू टेंशन नहीं ले भाई, तू इनको भाई को दही दे, मैं तेरे को पूरी भैंस खरीद के दूंगा। भैंस का दही से क्या ताल्लुक हुआ, भैंस तो दूध देती है भाई, दही की फैक्ट्री हो गई ना। नहीं तो भैंस दूध देगी, रात को रख देंगे, सुबह गुड़ करके दही बन जाएगी। अरे मतलब दही का भी स्टोर डालने वाले आप? अब ये सब चीजें खरीदेंगे भाई, फैक्ट्री होनी चाहिए हमारे पास। अच्छा टीम कौन सी जीत रही है ये बताएं आप? यार ये बात सुनो, अभी हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में, नहीं कहाँ पे, अमेरिका। हाँ यूएसके, यूनाइटेड स्टेट ऑफ करंगी। खरीदेंगे आप यूएसके को? नहीं, ये कौन सा बेचने वाला, ये तो 52 स्टेट है ना इनके। हाँ। तो ये तो कौन खरीदेगा भाई, रखूंगा किधर, पैसा तो बहुत है अपने पास। चप्पू भाई डर गए, बोला है कि उनके पास पैसे
चप्पू भाई डर गए। नहीं नहीं चप्पू भाई डर गए अमेरिका से, चाइना में रख दिएगा ना। अमेरिका को खरीद के चाइना में रख दिएगा, सही कह रहे। तो लिबर्टी कहाँ जाएगा फिर? लिबर्टी को पाकिस्तान में ले जाएगा लाहौर में। ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है ठीक है। अच्छा भाई चलो बात सुनो, बात सुनो। अच्छा चप्पू भाई ये बताएं, जो वर्ल्ड कप का तराना है आपने सुना? हाँ, पाक से जमीन चाहत, किश्वर हसीन चाहत। ये पाकिस्तान का ये क्या नहीं है, ये जीत का तराना है। आपने क्या बोला किश्वर हसीन, क्या ये कैसी बातें कर रहे हैं? किश्वर हसीन चाहत बात भाई, आपने क्या मतलब ये आप बताएं। ये भाईजान ये आपने मतलब क्या वो पाकिस्तानी तराना नहीं सुना? अच्छा भाई बात सुनो, ये ओवर हो गया, ठीक है टाइम ओवर हो गया तो ओवर भी हो गया, छह बोले पूरी हो गई है। एक साकिब ने खेल ली, ठीक है, एक तला ने खेल ली, एक एसन ने खेल ली, एक मैंने खेल ली, और एक नो बॉल हो गई। नो बॉल भी तो दोबारा करानी पड़ती है। नहीं नहीं हो तो गए छह पूरे भाई, एक ओवर में छह बोले होती है। हाँ तो इसलिए कह रहा हूँ ओवर हो गया ये। भाई क्या बात है यार। तो चलो बस अब बंद करो भाई, घरों को जाओ। ठीक है ठीक है, आप पप्पू दही लेकर आप अपने पप्पू को लेकर जरा निकले ताकि हम फिर नेक्स्ट ट्रांसमिशन करें। चलो ओके। हाँ बात सुनो, ये कोई खरीदना हो ना कोई बता देना, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। लिंक डिस्क्रिप्शन में है ना। चप्पू भाई निकलते हुए। अच्छा जी तला आप बताएं क्या सीन है आपका, कौन सी टीम पसंद आ रही है आपको? यार मैं तो पाकिस्तान को ही सपोर्ट कर रहा हूँ जैसे भी खेल रही है। अगर पाकिस्तान खुद अच्छा, पाकिस्तान में फेवरेट प्लेयर कौन सा होगा, छोड़ दें आप? यार जो वो तो जब परफॉर्मेंस देखेंगे तो उसके बाद डिसाइड करेंगे कि किस पर बोली लगानी है, किस पर दिल लगाना है अपना। ये तो गलत बात है, दिल तो ये नहीं देखता सामने वाला बंदा कैसा है, परफॉर्मेंस तो देखता है ना, कुछ तो क्वालिटीज कुछ तो खूबियां देखता है दिल, ऐसे ही थोड़ी ना आ जाता किसी पर। अरे ये क्या बात कर दी, खैर मेरा इस शोबे से कोई ताल्लुक नहीं है मुझे। नहीं, 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 इससे तो शायरी बनती है ऐसा ना बाबा, एक शायरी सुना दे बस इसी से रिलेटेड। नहीं नहीं नहीं, इससे इस रिलेटेड कोई शायरी नहीं होगी, शायरी का भी तड़का लगाएंगे लेकिन आज फिलहाल नहीं लगा रहे, आज मूड बहुत अच्छा है, चप्पू भाई ने चार्ज करके रखा हुआ है। मैं तो हम आगे चलते हैं, वो डड्डू चार्जर होता है ना हमारे पास, चप्पू चार्जर है। सही है। अच्छा इसके अलावा मैं अपना वैसे फेवरेट प्लेयर, मुझे इस बार इमाद वसीम के एडिशन में बहुत खुशी हो रही है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे हम इमाद वसीम के ऑलराउंड परफॉर्मेंस को, क्योंकि वो मैच फिनिशर भी हैं और अच्छी जो है वो स्टैमिना के साथ क्रिकेट खेलते हैं। अच्छा जी आप बताइए साकिब रज़ा। बिल्कुल जनाब, इमाद वसीम की आपने बात की और इमाद वसीम को मैंने पिछले वर्ल्ड कप में बहुत ज़्यादा मिस किया था, क्योंकि ज़ाहिर है ये जिस तरह के प्लेयर हैं, बड़ा पोटेंशियल है माशाल्लाह, जिस तरह खेलते हैं इनका हर मैच में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये पिछले वर्ल्ड कप में नहीं थे तो मैंने बहुत ज़्यादा मिस किया था, लेकिन इस वर्ल्ड कप में थैंक गॉड के वो मौजूद हैं और बड़ी उम्मीदें हैं इमाद वसीम से, फ़खर जमान से, बाबर आजम से। तो ये उम्मीदें लगाए हम जा रहे हैं वर्ल्ड कप की तरफ, आहिस्ता आहिस्ता हमारी गेंदें पूरी हो गई, पहला ओवर हो गया यहाँ पर, बाकी जो पहली गेंद है वर्ल्ड कप की वो कल गिरेगी इंशाल्लाह, तो हम आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे इंशाल्लाह मंडे को, 3 से 4 हमारा ये शो हुआ करेगा, जीत का जोश तो लगाए रखिए नई सुबह वेब रेडियो। बाकी हमारे शोज भी हो रहे हैं तो आप उनको भी इंजॉय कर सकते हैं, प्रोग्राम खेल खेल, पोल्टिक स्पेस और बाकी जितने भी हमारे शोज हो रहे हैं, एक्सप्लोर द वर्ल्ड है, होस्ट विद घोस्ट है, वीकेंड बस है ये जाहिर वर्ल्ड कप का जोश जो है वो साकिब की जुबान जो है वो पिसलती जा रही है जनाब, वीकेंड बस है, बस ही हो गई है बस, तो ये बस हो गई है क्योंकि टाइम पूरा हो गया है, एक्सप्रेस है तो बस हमारी भी बस होती चली जा रही है, तो ये तमाम शोज एंजॉय करेंगेगा, नई सुबह वेब रेडियो लगाए रखिएगा और जीत का जोश इंशाल्लाह मंडे से क्या होने जा रहा है, लाइव होने जा रहा है। और मैं तो साकिब ये कह रहा हूँ कि जो हमारा प्रोमो है उसका आखिरी जो जुमला है, उड़ जाएंगे सबके होश जब चलेगा जीत का जोश। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे पीर के दिन।